परिवार वाले सर मीडिया से मिलना चाहते हैं। सुबह उनका बच्चा घर से भागकर आया यहाँ पर गांव के खेतों के रास्ते, उन्होंने हमसे बोला सर परिवार वाले भी मिलना चाहते हैं सर हम लोगों से। आपको मिलने दिया जाएगा, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन टीम निकल जाएगी, ऑर्डर्स आ जाएंगे, आपको मिलने दिया जाएगा। पहले भी आपको मिलने दिया गया था, किसी ने रोका नहीं है। पहले भी आप लोग को मिलना था, घर जाना था, रिपोर्टिंग आप किसी को कोई हैम्पर नहीं हुआ था। अभी तो इन्वेस्टिगेशन टीम है, इट मेक सेंस कि भाई वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली हो जाए, उसके बाद आप जो सर SIT तो अपने बयान दर्ज कर चुकी है। देखिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 7 दिन का टाइम दिया है, और जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हो जाती है, मैं तो ये डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि वो किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे या कैसे करेंगे। और उनके इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा, हमारे पास आदेश आ जाएंगे कि भैया अलाउ किया जा सकता है तो अलाउ कर देंगे आपको। एंड सर मीडिया के जाने में क्यों परेशान? आपको मैंने कई बार बोल दिया है, एक ही बात को आप कितनी बार बुलवाएंगे? आप भी थक गए होंगे बार बार सेम सवाल पूछ के। मैं भी जवाब सेम जवाब थके नहीं, हम तो बहुत दूर से रास्ते गांव खेतों के रास्ते आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मिलने की परिवार से। 3 किलोमीटर चल के आए सर हम लोग। कोई बात नहीं, आप 3 ही चल के आ रहे हैं ना, हम तो पिछले 72 घंटे से लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, और जो हमको निर्देश है उनका अनुपालन कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन, मीडिया को रोकने के निर्देश नहीं, मीडिया को रोकने के निर्देश नहीं है, जो भी है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, और बाकी भी जो निर्देश है हमारा तो उन निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित है, शांति व्यवस्था रहे गांव में, इन्वेस्टिगेशन। जितेंद्र, क्या अधिकारी इस बात का जवाब दे सकते हैं कि आखिर पीड़ित परिवार का फोन क्यों जब्त किया गया है, उनसे बात क्यों नहीं करने दी जा रही है? सर एक सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है, परिवार का फोन क्यों जब्त किया गया सर? पीड़ित परिवार किसी का कोई फोन किसी ने जब्त, बिल्कुल किसी ने कोई फोन जब्त, झूठ बोल रहे हैं फिर परिवार वाले सर? लेकिन उनके परिवार का बच्चा सुबह हमारे कैमरे पर, उस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा कि वो परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने ना पुलिस ने किसी का कोई फोन या कोई भी चीज बिल्कुल भी जब्त नहीं किया है, ये ऑन द रिकॉर्ड आप मुझसे ले सकते हैं। कोई फोन जब्त नहीं है, कुछ भी जब्त, बंधक बनाए गए हैं वो? किस बात का बंधक? जो आदमी आपसे आके मिल लिया है वो बंधक है? अगर बंधक बना के रखा जाता आपसे मिल पाता कोई भी? सर वो बच्चा भागा खेतों में आप लोगों को देख के, वो कह रहा मैं डरा हूं। आप कह रहे हो कि उसको बंधक भी बना रखा है और वो इतनी सारी फोर्स के बाद खेतों में भाग भी चला गया। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि बंधक है या नहीं है। इन्वेस्ट SIT उनके घर पे बैठी है, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। देखिए आरोप लगा सकते हैं, ये लोकतांत्रिक आपका पक्ष भी रख रहे हैं, उनका भी रख रहे हैं। तो कोई बंधक नहीं बनाया गया, आपसे आराम से आके वो मिले हैं। जितेंद्र अगर बंधक नहीं बनाया गया है पीड़ित परिवार को, तो उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? किस बात की पर्दादारी है? ये नजरबंदी नहीं तो और क्या है कि परिवार को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, मीडिया से मिलने नहीं दिया जा रहा है? अगर बंधक नहीं बनाया हुआ तो फिर मिलने दीजिए सर हम लोगों को। सर अगर बंधक नहीं है तो मिलने दीजिए। ऑन अवे मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूं। सर अगर बंधक नहीं है तो मिलने दीजिए सर। वी कैन नॉट अलाउ टिल द इन्वेस्टिगेशन इज ओवर एंड टिल वी गेट ऑर्डर्स that the investigation is over and so what is there in this investigation which is so secluded that the media bilkul sameer keh rahe hain bandak nahi banaya lekin aap mil nahi sakte the ko ajeebo gareeb ek bayan kya aap par bhi barpa hai jalsazi ka kahar sapne toote aapke na ghar ke na ghat ke kya aap bhi hue hain dhokha dhadi ke shikar bhejiye apni aap biti lootghar @tv9.com par dekhiye roz raat 9:30 baje फिक्र आपकी।